स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ रिटन बाय। तो ऑप्शन नंबर ए है कमला दास, बी है जॉन डन, सी है डी एच लॉरेंस और डी नंबर है वॉल्ट व्हिटमैन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉन डन वॉज अ डैश पोएट, जॉन डन जो थे वो कहाँ के पोएट थे, कहाँ के कवि थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटिश, कहने का मतलब वो इंग्लैंड या यूके के कवि थे। ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके ये तीनों सेम ही चीज़ रहेगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि किसको डिस्क्राइब किया जाता था एक सैद्धांतिक कवि के रूप में, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। तो यहाँ पे जैसे कि चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन डन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है जॉन डन वॉज बॉर्न इन, जॉन डन वॉज बॉर्न इन यानी कि जॉन डन कब पैदा हुए, जॉन डन वॉज बॉर्न इन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1572 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वॉज डाइड इन, जॉन डन वॉज डाइड इन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1631 यानी कि जॉन डन की जो है उसकी मृत्यु हुई थी 1631 को और वो पैदा हुए थे 1572 को, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर वॉज जॉन डन बॉर्न, वेयर वॉज जॉन डन बॉर्न यानी कि जॉन डन की पैदाइश कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन, जैसे कि जानते हैं हम लोग उसकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, तो इंग्लैंड की के शहर लंदन में उसकी पैदाइश हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन डन वॉज बॉर्न इन विच फैमिली, जॉन डन जो है वो पैदा हुए थे उसका जन्म हुआ था किस फैमिली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। तो जॉन डन को जाना जाता था अच्छे, काफ़ी जाने जाते थे किसके लिए। तो ऑप्शन ए है सॉन्ग एंड सोनेट्स, बी है सैरमंस एंड सी है सेटायर्स एंड एलेजीज और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी के लिए उसको जाने जाते थे, काफ़ी ये मशहूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया किसको, तो हिज वाइफ यानी कि अपनी वाइफ को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ जॉन डॉन्स वाइफ इज, जॉन डॉन की पत्नी का, वाइफ का क्या नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन ए मोरे, जॉन डॉन्स की वाइफ का नाम है एन ए मोरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ऑब्लिक एन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो ये एक लिरिक है, तो ध्यान रखेंगे एक क्या है लिरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट वन हु मीट्स मस्ट डैश, यानी कि पोएट के अनुसार जो भी कभी मिलता है तो उसको क्या होना पड़ता है, ज़रूर डिपार्ट यानी कि उसको बिछड़ना ज़रूर पड़ता है, कहने का मतलब कोई भी अगर यहाँ पे इस दुनिया में आएगा तो उसको जाना एकदम बिल्कुल क्या है निश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जॉन डन फील्स दैट अ ऑब्लिक एन इज वेरी हॉपलेस, तो जॉन डन ये फील करते थे जो क्या काफ़ी हॉपलेस है यानी कि निराशाजनक है। तो यहाँ पे जो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं ए नंबर में है मैन, बी नंबर में है वीमेन और सी नंबर में है एनिमल एंड डी नंबर में है पीपल। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैन इज़ वेरी हॉपलेस यानी मनुष्य क्या है काफ़ी हॉपलेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किसको
फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बिना डिग्री लिए हुए, यानी कि मजबूर कर दिया गया उसको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन डॉन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जॉन डॉन वॉज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के, यानी अपने पत्नी को छोड़ के वो कहाँ जा रहे थे जॉन डॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है डेथ को बिल्कुल खुशी खुशी, मौत को बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन डॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन, दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते थे जो क्या एकदम बिल्कुल निश्चिंत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेथ। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि मौत क्या है? निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज टीयर्स आर लाइक अ रेन, यानी कि किसकी आंसू उसको बिल्कुल बारिश की तरह लगता था। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिज वाइफ्स, उसकी पत्नी का आंसू जो है उसको बारिश की तरह लगता था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द डैश, यानी कि अब इसमें जो है बुक में जो पोएट जॉन डॉन है उसको किससे बेहतर बताया गया है? तो सन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, अ पोएम और सॉन्ग जिससे सैडनेस का पता चलता है, दुख का पता चलता है, दुख एक्सप्रेस होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एलेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एलेजी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, एक ऐसा स्पीच जो धर्म से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरेमन बोलेंगे उसको, सेरेमन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है, अ 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें 14 लाइन्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। 14 लाइन्स के पोएम को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वियरीनेस मीन्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये यूज़ हो सकता है, वियरीनेस मीन्स, या फिर साइनोनिम्स में भी यूज़ हो सकता है। तो वियरीनेस मतलब होता है थकावट या थकान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टायर्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड थी मीन्स, व्हाट डज द वर्ड दी मीन, यानी कि आपके बुक में जो वर्ड दी है उसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड हैथ मीन्स, व्हाट डज द वर्ड हैथ मीन्स, यानी कि हैथ वर्ड का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ टू डाई वन डे, हु हैज़ टू डाई वन डे, किसको एक ना एक दिन मरना है? तो सभी को, तो हम लोगों को पता है, तो एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओ हाउ डैश इज मेंस पावर, ओ हाउ डैश इज मेंस पावर, यानी कि कितना मनुष्य की शक्ति कितना कमज़ोर है, यानी कि ओ हाउ फीबल, फीबल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज पेंड बाई, तो यहाँ पे आपको रिटर्न बाई, पेंड बाई या कंपोस्ट बाई, ये सारा कुछ दे सकता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पेंड किया गया है, तो ये किया गया है यानी कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, यानी कि वॉल्ट विटमैन पैदा हुए थे तो कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1819 को, 1819 को वो पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन, वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन, यानी वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1892 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन हैज़ बिलोंग टू, वॉल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वॉल्ट विटमैन बिलोंग करते थे यूएसए से, तो यूएसए के आगे द लगता है, यूके यूनाइटेड किंगडम के आगे भी द लगता है, ये सब ध्यान रखेंगे आप, और यूएसए के भी आगे द लगता है, यूएसएसआर के भी आगे द का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्ट विटमैन हैज़ बिलोंग टू तो द यूएसए, तो यूएसए में कहाँ उस वो पैदा हुए थे, तो न्यूयॉर्क में, ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क सिटी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन आगे करा, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ द यूएसए, तो यूएसए के किस सिटी में वॉल्ट विटमैन पैदा हुए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, वॉल्ट विटमैन कितने साल के थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37, तो बुक के अकॉर्डिंग वो 37 ईयर्स के थे। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट, किसको लोगों का कवि कहा जाता था, तो पीपल्स पोएट कहा जाता था किसको, वॉल्ट विटमैन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, यानी कि लिखा किसके द्वारा गया है, तो जैसे कि जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। चले आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे है वॉल्ट विटमैन्स पोएम्स आर, वॉल्ट विटमैन का पोएम्स इनमें से कौन कौन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए है लिप्स ऑफ ग्रास, बी है ड्रम टैप्स, और सी है ए एंड बी बोथ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ, लिप्स ऑफ ग्रास भी है और ड्रम टैप्स भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, लीव्स ऑफ ग्रास जो उसका पोएम है वो किस ईयर को पब्लिश हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ड्रम टैप्स वॉज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स जो उसका पोएम है वॉल्ट विटमैन का, तो वो कब पब्लिश किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1865 को, तो ध्यान रखेंगे पहले लिप्स ऑफ ग्रास हुआ था 1855 को, उसके जस्ट 10 ईयर्स आफ्टर क्या हो गया था 1865 में ड्रम टैप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी किसने कहा जो सभी मनुष्य का जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रत्येक कण वो बिल्कुल क्या होता है सेम होता है, यानी कि सभी मनुष्य के ब्लड का प्रत्येक कण क्या होता है, एवरी एटम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, तो ये कहे थे वॉल्ट विटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यहाँ पे ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के तरह ही लगता है ये, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है वो किसके लिए गा क्या कर रहा है, अपने लिए तो गा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंग्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल द डेथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल द डेथ इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लिया गया है लाइन ये किस से लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बोल रहा डैश इज इनएविटेबल, डैश इज इनएविटेबल, यानी कि कौन इनमें से कौन अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेथ, यानी कि जो है मौत क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, यानी कि डेथ का क्या जो है वो एकदम बिल्कुल पड़ोसी की तरह है, तो द मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यानी कि जो डेथ लेके आते हैं वो बिल्कुल पड़ोसी की तरह है, यानी कि किसी भी समय आ सकता है। वह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ कम्पोज्ड बाई, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ कम्पोज्ड बाई,
नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को कंपोज किया गया है, रचा गया है, तो किसके द्वारा रचा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डब्ल्यू एच ऑर्डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, यानी कि डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म हुआ था तो 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बोल रहा है डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज डाइड इन, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज डाइड इन, यानी कि डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज डैश बाई बर्थ, डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो बाई बर्थ यानी जन्म से क्या थे, तो जन्म से जो डब्ल्यू एच ऑर्डन थे वो क्या थे, डैश बाई बर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि वो जन्म से क्या थे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वो जन्म से ब्रिटिश थे, यानी कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो बर्थ से जन्म से कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो वहाँ पे एमिग्रेट किए थे अमेरिका में, तो ये बात की बात है, तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो बाई बर्थ थे ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले थे या इंग्लैंड यूके के रहने वाले थे, इस तरह बोल सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन इमिग्रेट टू द यूएसए, तो जैसे कि मैंने बताया वो थे इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के, और बाद में कहाँ चले गए, यूएसए, यानी कि यूएसए एमिग्रेट कर गए, तो व्हेन डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन एमिग्रेट टू द यूएसए, तो यूएसए जो है वो एमिग्रेट कब किए थे, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 1939 को वो इंग्लैंड छोड़ के यूएसए में जा कर के बस गए थे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पोएम्स डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन राइट, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कितने पोएम्स लिखे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 पोएम्स उन्होंने लिखे, कितने लिखे, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू एच ऑर्डन वोन डैश प्राइज, डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है उसको कौन सा प्राइज दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पुलित्जर, तो ये जर्नलिस्ट के फील्ड में दिया था पुलित्जर अवार्ड, यानी कि पुलित्जर प्राइज जो है डब्ल्यू एच ऑर्डन वो जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ऑर्डन वोन द पुलित्जर प्राइज इन विच ईयर, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा डब्ल्यू एच ऑर्डन कौन सा प्राइज उसको मिला था, पुलित्जर प्राइज, तो किस ईयर मिला था, तो 1948 में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर डब्ल्यू एच ऑर्डन पोएट्री वॉज अ डैश गेम, डब्ल्यू एच ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है, कैसा गेम था, तो एक सीरियस गेम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही है द लिप्स आर फॉलिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट, यानी कि अब पत्ते जो है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश फ्रीजेस कौन जमा देता है या जाम कर देता है, रोक देता है एक्टिव हैंड्स, यानी कि चलते फिरते हाथों को कौन रोक देता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं डेथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, किसको डांटा जाता था फूड के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रोल्स, तो ट्रोल्स एक प्रजाति था, तो उसको जो है यूएसए का, तो उसको डांटा जाता था फूड के लिए। नेक्स्ट है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, कौन जो है डम हो गया था लीफलेस ट्रीज को देखने में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुक के अकॉर्डिंग नाइटिंगेल, बुलबुल ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच थिंग साइनिफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग, तो बुक के अकॉर्डिंग जो है कौन सा चीज़ दिखाता है जो कोई भी चीज़ हमेशा तक रहने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लावर, ऑप्शन नंबर ए फ्लावर इसका राइट आंसर होगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग फ्लावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, कौन पर्सन्स जो है वो ट्रेवलर्स हैं, तो ऑल्ड पर्सन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द ट्रेवलर्स आर वी डैश बींग्स। ट्रेवलर्स कौन है? मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, जो अपने डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम ही मानव है ट्रेवलर्स, जो अपने डेथ की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिंग लीव्स रिफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ, यानी फॉलिंग लीव्स जो है ये इससे क्या पता चलता है, जो स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि डेथ का जल्दी जल्दी आना, ये फॉलिंग लीव्स से पता चलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है इस पोएम में विस्परिंग नेवर्स का क्या मतलब होता है? विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है एजेंट ऑफ डेथ या फिर मैसेंजर ऑफ डेथ, इसको बोल सकते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे एजेंट ऑफ डेथ या फिर मैसेंजर ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का सेकेंड लाइन में जो नर्स वर्ड आया है ये किसको दिखाता है, स्टैंड किसको करता है, यानी कि इससे क्या पता चलता है? तो एक ट्री, यानी कि इससे एक ट्री का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ गोइंग टू दियर ग्रेव, हु इज़ गोइंग टू दियर ग्रेव, कौन अपने ग्रेव में, कौन अपने कब्र में जा रहा है? तो ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रोल्स आर कॉल्ड विग्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन डेस मिथोलॉजी, यानी कि ट्रोल्स को बहुत ही दुष्ट और भद्दा प्राणी माना जाता है, कौन से मैथोलॉजी में? तो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ट्रोल्स को विग्ड यानी कि दुष्ट और भद्दा क्रिएचर्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कौन सा वाटरफॉल्स जो है वो जो उसके नीचे से उसके जाते हैं जो भी आदमी, वो उसको ब्लेस कर देता है, यानी कि दुआ देता है, आशीर्वाद देता है। तो वाइट वाटरफॉल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि जो वाटर गिरता है वो बहुत ही प्योर होता है, क्लीन होता है, जिस कारण से वाइट वाटरफॉल उसको कहा जाता है। पढ़ रहे हैं ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन बाई, ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन बाई, यानी कि ऑड टू ऑटम जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन किट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जॉन किट्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन, जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन, यानी कि जॉन किट्स जो है उसका जन्म जो है वो कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है 1790, ऑप्शन नंबर बी है 1795, ऑप्शन नंबर सी है 1821 और ऑप्शन नंबर डी है 1805। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1795 में जॉन किट्स का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन किट्स वॉज डाइड इन विच ईयर, जॉन किट्स वॉज डाइड इन विच ईयर, यानी कि जॉन किट्स जो है उसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1821। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ डेथ ईयर्स, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 1795 में पैदाइश हुई यानी कि जन्म हुआ और 1821 में उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पे अगर इसको हम ये कर देंगे घटा देंगे तो हो जाएगा यानी कि 26 ईयर्स, यानी कि 26 ईयर्स के एज में उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स जो है वो बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? जैसे ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है आइसलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे जॉन किट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन किट्स वॉज अ डैश पोएट, जॉन किट्स वॉज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन किट्स को कैसा पोएट समझा जाता था? तो जॉन किट्स को एक रोमांटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जॉन किट्स क्या थे? एक रोमांटिक पोएट थे, एक रोमांटिक पोएट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, यानी कि जॉन किट्स जो है वो
किसके बहुत ही ज़्यादा लवर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेचर। कहने का मतलब जॉन किट्स जो है वो नेचर यानी कि प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रिय थे, यानी कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑड टू डैश इज़ एन ऑड, यानी कि ऑड टू क्या एक ऑड है, ऑड मतलब संबोधन गीत, तो ऑड टू ऑटम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑड टू ऑटम इज़ एन ऑड, यानी कि ऑड टू ऑटम क्या है एक ऑड है। ऑड कहते हैं संबोधन गीत या फिर उसको कविता भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है ऑड टू ऑटम हैज रिटन इन, ऑड टू ऑटम हैज रिटन इन, यानी कि ऑड टू ऑटम को कब लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर 1819। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स डाइड ऑफ, जॉन किट्स डाइड ऑफ। तो जहाँ पे भी डाइड के बाद ऑफ आ जाएगा तो यानी कि समझ जाना है जो किसी न किसी बीमारी का वहाँ पे नाम होगा। तो यानी कि जॉन किट्स डाइड ऑफ, यानी कि जॉन किट्स किस बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स डाइड इन, जॉन किट्स डाइड इन, यानी कि जॉन किट्स जो है वो उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम में हुई थी। तो इटली की जो इटली का जो कैपिटल है रोम, वहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि जॉन किट्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएट्री का जिसका टाइटल है पोएम्स, वो कब पब्लिश हुआ था। यानी कि जॉन किट्स का जो है पोएट्री का जो पहला वॉल्यूम है एंटाइटल पोएम्स नाम से, वो कब पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि 1817। राइट आंसर 1817 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर इज़ रिटन बाई। तो ये जो है लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑड टू ऑटम कंजिस्ट्स ऑफ डैश स्टेंजाज, यानी कि ऑड टू ऑटम जो है इसमें कितने स्टेंजाज हैं, यानी कि कितने स्टेंजा है इसमें। तो ध्यान रखेंगे तीन स्टेंजा है, ध्यान रखेंगे ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है, तीन स्टेंजा है, और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स है, तो टोटल 33 इसमें लाइन्स होंगे। तो ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है, तीन स्टेंजा है, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन कर रहा है इच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंजिस्ट डैश लाइन, यानी कि ऑड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टेंजा है, जैसे हम लोग जानते हैं तीन स्टेंजा है, तो उसमें प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स हैं। तो अभी जो मैंने बताया तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 लाइन्स है इच स्टेंजा में, और ऑड टू ऑटम में टोटल तीन स्टेंजा है, तो टोटल लाइन्स हो जाएगा 33, और एक स्टेंजा में होगा लाइन्स 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी कि ऑटम का थीम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि स्कैरसिटी, यानी कि कमी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, तो ऑटम में क्या होता है पत्तियों में कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ट्रीज शेड दियर लीव्स इन डैश ट्रीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रीज जो है अपने पत्तियों को झड़ाते हैं, पत्ते को वो कब झड़ाते हैं यानी कि गिरा देते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑटम में, यानी कि पतझड़ के ऋतु में ट्रीज जो है अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन,
यानी कि ऑटम स्टार्ट होता है किसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि ऑटम स्टार्ट होता है तो किसके ख़त्म होने के बाद, तो समर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि समर जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे ऑटम शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इन द डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम, यहाँ पे कम होगा आउट ऑन ट्रीज, यानी कि किस ऋतु में न्यू लीव्स नए नए पत्तियाँ और फल जो है ट्रीज में आने लगते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नए नए पत्तियाँ आते हैं कब, स्प्रिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है डैश फिल्स ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस, डैश फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस, यानी कि कौन सभी फ्रूट्स को पका देता है। तो जैसे कि ऑप्शन है द सन, समर, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ द एबव। तो जैसे कि जानते हैं जो सन और समर दोनों ही होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि ए एंड बी बोथ। तो देख पा रहे हैं आप एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाई, एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाई, एन एपिटाफ जो है ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो यानी एन एपिटाफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन, वॉल्टर डी ला मेयर इस जो है इसका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1873। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपका जो बॉर्न से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डी ला मेयर वॉज डाइड इन, यानी वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो किस ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉल्टर डी ला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, वॉल्टर डी ला मेयर जो है अपने पिता को खो दिया, यानी कि उसके पिता का देहांत हो गया जब वो कितने साल के थे, तो जब वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे, यानी कि 4 ईयर्स के थे तभी उसके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वॉल्टर डी ला मेयर वॉज डैश, वॉल्टर डी ला मेयर क्या थे। तो ऑप्शन है अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, सी नंबर में अ नावेलिस्ट। तो यहाँ पे पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नावेल भी लिखते थे, तो नावेलिस्ट भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ देम, यानी कि पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नावेलिस्ट भी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन, हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन, यानी कौन जो है बच्चों पर आधारित या बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है एन एपिटाफ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो वॉल्टर डी ला मेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, यानी कौन जो है एक हास्यपद और व्यंग्यपूर्ण पोएम है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन एपिटाफ। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डी ला मेयर वॉज अ डैश पोएट, वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो पोएट है तो कैसा है, मॉडर्न है, एंशियंट है, मिडल है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडर्न, क्योंकि वो जो है 20th century से बिलोंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न पोएट है। अगला क्वेश्चन है वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, तो वॉल्टर डी ला मेयर जैसे कि हम लोग जानते हैं उसकी जन्म हुआ 1873 में और उसका जो है डेथ हो गया था 1956 में। तो ये 1956 किस सेंचुरी में आता है, तो 20th, तो वो जो है बिलोंग करते थे 20th century से, यानी कि 20वीं शताब्दी से। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू डैश, वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर सी है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे ये तीनों लगभग में एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
वाल्टर डिलामियर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश, यानी कि वाल्टर डिलामियर जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से ऑर्डर ऑफ मेरिट उसको मिला, कब मिला? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1953 में उसको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहाँ पे जो है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी रहती है, इज़ अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन जो है वो किससे लिया गया है? तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये एन एपिटाफ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल डैश, यानी एन एपिटाफ जो है इसमें वर्णन किया गया है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड क्रम्बल मीन्स, तो क्रम्बल का यहाँ मीनिंग होता है आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द पोएम एन एपिटाफ अ वर्क रिफर्स टू, यानी कि एन एपिटाफ जो पोएम है इसमें अ वर्क इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि कब्र में जो है टॉम्ब में जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया लिखाया जाता है शिलालेख उसी को बोलते हैं, उसी को अ वर्क से यहाँ पे लिखाया गया है, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। करें द पोएट थिंग्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी पोएट का कहना है जो कौन हमेशा के लिए नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यूटी, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट टेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, यानी कि हिज बिलव्ड, तो पोएट कहता है जो उसके उसके जो है मृत्यु के बाद कोई भी उसको यानी कि उसके जानेमन को उसके बिलव्ड को क्या नहीं करेगा, तो उसको याद नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रिमेंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द लेडी लाई, वो लेडी कहाँ रहती है? तो वो लेडी क्योंकि उसका डेथ हो गया था तो वो कहाँ पे थी? कब्र में, यानी कि एपिटाफ में, जिसको हम लोग कब्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू डैश कंट्री, यानी कि एन एपिटाफ जो पोएम है इसमें जो लेडी मेंशन किया गया है वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो वो जो है द वेस्ट, यानी कि वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द सोल्जर हैज़ पेंड बाई, यानी कि सोल्जर जो है वो पेंड किया गया है, तो किसके द्वारा पेंड किया गया? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। तो इसको आप बिल्कुल ट्रिक से याद कराया गया है, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है उसकी मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1915 को, यानी कि 1915 को रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ऑफ, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी, किस बीमारी के कारण डाइड ऑफ आ, डाइड के बाद ऑफ आ गया? तो यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेप्टिसेमिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सेप्सिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रक्त विषमता, यानी कि रक्त में जहर का मिल जाना, उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रूपर्ट ब्रूक डाइड एट द एज ऑफ डैश ईयर्स, रूपर्ट ब्रूक जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं 1887 में उसकी पैदाइश हुई, यानी कि उसका जन्म हुआ, और 1915 में उसका डेथ हो गया, यानी कि कितना साल? तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर 13 या 12 मान सकते हैं, इधर 15, यानी कि टोटल 27 ईयर्स हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक जो है वो 27 ईयर्स के एज में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज फेमस पोएम्स आर,
उसका जो है फेमस पोएम्स, तो इनमें से कौन कौन सा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है द पीस, नेक्स्ट है द डेड, उसके बाद सी नंबर में है ब्लू एवनिंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो है उसका जो फेमस पोएम्स है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो इनमें से कौन रूपर्ट ब्रूक का पोएम नहीं है, तो तीन ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक अलग ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, डैश इज़ रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, किसको वॉर पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, यानी कि किसको वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, तो द सोल्जर जो है ये एक वॉर पोएम है। क्या है? वॉर पोएम, यानी कि ये वॉर वाला पोएम है द सोल्जर, नाम ही से पता चलता है सैनिक है, तो ये वॉर वाला पोएम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक जो है वो प्रेज किया, प्रशंसा किया, किसके बारे में प्रशंसा किया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड के ही थे इसलिए इंग्लैंड के बारे में वो इसमें प्रशंसा किए। चलिए अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर बिलोंग टू डैश, सोल्जर जो है वो जो सैनिक थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितना वेरी वेरी बोला जाए उतना कम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द पोएम कंजिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज़ अ सोनेट, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें कितना लाइन हो जो उसको सोनेट कहेंगे हम, यानी कि सोनेट जो होता है उसमें कितना लाइन्स होते हैं, तो उसमें होते हैं 14 लाइन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि एक सोनेट में कितने लाइन्स होते हैं, तो 14 लाइन्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, तो ऑक्टा मतलब होता है आठ, यानी कि जो सोनेट है उसमें 14 लाइन्स, उसमें जो पहला जो शुरुआत का जो 8 लाइन्स होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, यानी कि फर्स्ट 8 लाइन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि सोनेट में 14 टोटल लाइन्स होते हैं, उसमें 8 लाइन्स ऑक्टेव, तो बचा 6 लाइन्स, तो जो लास्ट 6 लाइन्स है उसको क्या बोलते हैं, सेस्टेड बोलते हैं, यानी कि लास्ट 6 लाइन्स आर नोन एज सेस्टेड, यानी कि लास्ट का जो 6 लाइन है उसको क्या कहा जाता है, सेस्टेड कहा जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास, यानी कि जो सोनेट है उसमें दो स्टेंजा था, एक 8 लाइन का एक 6 लाइन का, तो इसमें जो है इन दोनों स्टेंजाज में किसके बारे में यहाँ पे प्रशंसा किया गया है, तो किसके बारे में किया गया, इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे। चले हम अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट है द पोएट वॉज अ डैश, द पोएट वॉज अ डैश, पोएट क्या थे, तो एक सोल्जर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सैनिक थे वो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज गोइंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि कौन जो है विदेश जा रहे थे, दूसरे देश जा रहे थे, तो कौन जा रहे थे, सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, यानी कि स्पीकर को, यानी कि जो सोल्जर है उसको डर नहीं लगता है डर नहीं लग रहा था किससे, तो डेथ से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वैसे भी जो सोल्जर होते हैं उसको डेथ से डर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का कौन बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। तो ध्यान रखेंगे ये मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रूक को कौन कहे थे, तो डब्ल्यू बी यीट्स कहे थे, ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बी यीट्स कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हु सेड द पोएट दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी किसने कहा पोएट को, यानी सैनिक को, जो आप जो हैं इंग्लैंड के मोस्ट हैंडसम मैन हैं, तो कौन कहते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू बी येट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है द पोएम डैश इज़ अ सोनेट, द पोएम डैश इज़ अ सोनेट, यानी कि कौन सा पोएम एक सोनेट है, तो कौन सा है जिस पोएम के बारे में अभी बात कर रहे हैं, कौन, द सोल्जर, एक क्या है, सोनेट है, यानी कि इसमें टोटल 14 लाइंस है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, द सोल्जर कैसा पोएम है, तो वॉर
वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है, तो वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक पोएम भी है। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सोल्जर डील्स विद, यानी कि सोल्जर जो है वो डील्स कर रहा है, किससे डील मतलब किसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो ये वर्णन कर रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कॉटलैंड के बारे में वर्णन कर रहा था। ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक इंग्लैंड है। तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है, तो इसमें जो है सोल्जर जो है डील्स कर रहा है, वर्णन कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में, ध्यान रखना है इसको। तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है रूपर्ट ब्रूक्स फादर वॉज अ डैश एट रग्बी स्कूल, यानी रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वो क्या थे एक रग्बी स्कूल में, तो हाउस मास्टर थे यानी कि निरीक्षक थे, यानी कि हाउस मास्टर को बोलते हैं निरीक्षक, यानी कि देखभाल करने वाले थे। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी कि ऐसा जगह है जहाँ पे सोल्जर को दफनाया जाए उसको किसके रूप में, द प्लेस वेयर यानी कि ऐसा जगह जहाँ सोल्जर वुड बी ब्यूरीड यानी कि सोल्जर को दफनाया जाए शुड बी ट्रीटेड, उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए एज द पार्ट ऑफ डैश, यानी कि कहाँ का पार्ट के रूप में उसको ट्रीट करना चाहिए, तो इंग्लैंड के पार्ट के रूप में, यानी कि जहाँ पे भी उसको दफनाया जाए उस वो जगह जो है वो मिट्टी किसकी हो, इंग्लैंड की हो, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएम द सोल्जर गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश, यानी कि द पोएम जो है सोल्जर जो पोएम है इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस देता है किसका, तो पैट्रियोटिज्म का यानी कि देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द डैश, यानी कि रूपर्ट ब्रूक के अंदर जो है राष्ट्रभक्ति से वो प्रेरित हुए, तो किसमें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती फेज़ में यानी कि अर्ली फेज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज़ में उसके अंदर राष्ट्रभक्ति से वो क्या हो गए, प्रेरित हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, यानी कि वर्ड जो इस पोएम में वर्ड जो आया है सोनेट में कंसील्ड उसका क्या मतलब होता है, तो कंसील्ड मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ या फिर गुप्त, छुपा हुआ या फिर गुप्त इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, यानी कि इस पोएम में जो वर्ड डस्ट आया है तो ये किस स्टैंड करता है, यानी कि उसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोल्जर। मैकाविटी द माइस्ट्री कैट हैज़ कंपोज्ड बाय, मैकाविटी द माइस्ट्री कैट ये जो है कंपोज किया गया है, तो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी एस एलियट के द्वारा कंपोज किया गया। तो बिल्कुल ट्रिक के द्वारा इसमें उस वीडियो में आपको बताया गया है जो किसके राइटर का नाम क्या है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं उसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन, यानी टी एस एलियट जो है उसका जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा यानी कि 1888 यानी कि 1888 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी एस एलियट वॉज डाइड इन, टी एस एलियट वॉज डाइड इन यानी टी एस एलियट की मृत्यु हुई कब हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा 1965 यानी कि 1888 उसका डेट ऑफ बर्थ है, और उसका जो पास्ट अवेट डेट जो है वो 1965 है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टी एस एलियट बिलोंग टू विच सेंचुरी, तो जैसे कि देखिए 1965 में उसका डेथ हुआ तो ये किस सेंचुरी में आ जाएगा, तो 20th सेंचुरी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी एस एलियट जो है वो बिलोंग करते थे 20वीं सेंचुरी से। अगला क्वेश्चन है द
थॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी कि टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स। तो ध्यान रखेंगे टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स, यानी पूरा नाम हो गया थॉमस स्टर्न्स इलियट वॉज अ डैश पोएट, यानी कि थॉमस स्टर्न्स इलियट जो थे वो पोएट थे। कहाँ के पोएट थे? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अमेरिकन और इंग्लिश, यानी वो बाय बर्थ थे अमेरिकन और बाद में वो इंग्लैंड चले गए थे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी बोथ, यानी अमेरिकन भी होगा और इंग्लिश भी हो गया। तो ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, टी एस इलियट का पूरा नाम टी फॉर थॉमस और एस फॉर स्टर्न्स, और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है वो उसका बर्थ अमेरिका में हुआ था लेकिन वो बाद में चले गए थे इंग्लैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इन टी एस इलियट एस स्टैंड्स फॉर, यानी टी एस इलियट में एस फॉर क्या होता है? तो टी फॉर थॉमस होता है और एस फॉर क्या हो जाएगा? तो एस फॉर हो जाएगा स्टर्न्स, एस टी ई आर एन एस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, टी एस इलियट वॉज बॉर्न इन, यानी कि टी एस इलियट जो है उसका जन्म हुआ कहाँ पे हुआ उसका जन्म? तो उसका जन्म हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द यूएसए में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसका जन्म हुआ और वो बाद में फिर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही बिलोंग टू डैश फैमिली, ही बिलोंग टू डैश फैमिली, यानी कि टी एस इलियट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो उसका वो जो बिलोंग करते थे वो बोस्टन ब्राह्मन फैमिली से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टी एस इलियट मूव टू इंग्लैंड इन विच ईयर, यानी टी एस इलियट अमेरिका से इंग्लैंड चले गए अमेरिका को छोड़ के कब? तो राइट आंसर होगा 1914 में, यानी कि 1914 में। डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है? 1888, और 1914 में कहाँ चले गए? वो इंग्लैंड चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ टी एस इलियट व्हेन ही मूव टू इंग्लैंड, यानी कि जब वो इंग्लैंड गए तो उस वक्त उसका एज क्या था? तो 1888 में उसकी पैदाइश हुई और 1914 में चले गए। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो 25 ईयर्स होता है, यानी कि 25 साल होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच फील्ड टी एस इलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, टी एस इलियट को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया जो, वो तो किस फील्ड में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो उसको दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिटरेचर, यानी कि साहित्य के फील्ड में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में। कब दिया गया था? 1948 में, ध्यान रखना है इसको। तो अगला क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है, टी एस इलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन डैश, टी एस इलियट को नोबेल प्राइज़ दिया गया किस में दिया गया? लिटरेचर में, और कब दिया गया? तो 1948 में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टी एस इलियट वॉज अ डैश, टी एस इलियट क्या थे? तो एक पोएट थे, वर्स ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये सारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, मैकाविटी इज अ डैश, मैकाविटी जो है वो क्या है? तो एक कैट का नाम है मैकाविटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएट, यानी कि पोएट किसका नाम है, कौन इसका पोएट है? तो टी एस इलियट। ये जो है उस मैकाविटी यानी कि उस कैट का कंपैरिजन कंपेयर कर रहा है, किससे कर रहा है? तो नेपोलियन से कर रहा है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से उस कैट का कंपैरिजन कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था ये। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैकाविटी इज़ द पेट कैट ऑफ डैश, मैकाविटी जो है वो पेट कैट है। तो किसका पेट कैट है? पालतू बिल्ली है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी एस इलियट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज़ अ जिंगर कैट, डैश इज़ अ जिंजर कैट, यानी कि कौन जो है भूरे रंग का बिल्ली है? तो इनमें से कौन भूरे रंग का बिल्ली है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? तो मैकाविटी की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज़ अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि कौन क्रिमिनल का मास्टर है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाविटी जो है वो क्रिमिनल्स का क्या है? मास्टर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को और किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना है, द हिडन पाव के नाम से भी मैकाविटी को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश वॉज टॉल एंड थिन, कौन जो है
टॉल यानी कि लंबा और पतला था। तो कौन था? तो मैकावेटी लंबा और क्या था? पतला था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मुंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन आर। मुंगोजेरी और ग्रीडल बोन वो क्या है? तो ये भी क्या है? कैट का ही नाम है। मुंगोजेरी और ग्रीडल बोन भी किसका नाम है? कैट का ही नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट इज़ अ डैश। तो मैकावेटी इज द मिस्ट्री कैट क्या है? एक तो एक ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ह्यूमरस स्टोरी क्या है? ह्यूमरस स्टोरी है यानी कि हास्यवत कहानी है, हंसने वाली कहानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैकावेटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्कॉटलैंड क्या होता है, यार्ड क्या होता है। तो इंग्लैंड जो पुलिस है या लंदन पुलिस जो है उसका जो मेन ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, उसी को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। तो मैकावेटी जो है वो उस पुलिस के जो कार्यालय था उसके लिए क्या बन गया था? उलझन बन गया था, यानी कि बैफलमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बैफलमेंट मतलब होता है उलझन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकावेटी इज़ फुल ऑफ डैश। मैकावेटी जो है वो उसके अंदर बिल्कुल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? डिसीट फुलनेस यानी कि छल कपट पूरा भरा हुआ था। छल कपट जो है वो पूरा उसके अंदर भरा हुआ था। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिसीट फुलनेस, धोखेबाजी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टी एस एलियट्स इम्पोर्टेंट वर्क्स आर। ये टी एस एलियट का इम्पोर्टेंट वर्क्स इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो दिया हुआ है तीनों है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि द वेस्ट लैंड भी किसका है? टी एस एलियट का ही है, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में। फोर क्वार्टर्स भी टी एस एलियट का इम्पोर्टेंट वर्क है, पोएम्स है, 1943 में वो पब्लिश हुआ। और एस वेस्टे भी क्या है? उसी का पोएम है। तो ध्यान रखना है, ऐसा ऑप्शन में दे सकता है जो इनमें से कौन टी एस एलियट का पोएम नहीं है। तो आप अगर आपको तीनों याद रहेगा तभी आप चौथा को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिस्ट्री कैट हैज़ टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड। यानी कि जो मैकावेटी द मिस्ट्री कैट है ये उसके किस कलेक्शन से लिया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा भी जा चुका है। तो द मिस्ट्री कैट जो है ये लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इस बुक से ये मैकावेटी द मिस्ट्री कैट को लिया गया है। कह रहा है फायर हैम्ड हैज़ रिटन बाई, यानी फायर हैम्ड को लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केकी एन दारू वाला के द्वारा इसको लिखा गया है। तो बिल्कुल उस ट्रिक वाले वीडियो में बिल्कुल इसको ट्रिक के द्वारा बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केकी एन दारू वाला वॉज बॉर्न इन। केकी एन दारू वाला जो है उसका जो बॉर्न हुआ, उसका जो जन्म हुआ तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 1937 में हुआ था, 1937 में, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वेयर वॉज केकी एन दारू वाला बॉर्न। केकी एन दारू वाला जो है वो उसका जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर में। कब हुआ था? 1937। चूँकि उस वक्त जो है देश का जो है विभाजन नहीं हुआ था, तो जिस कारण से इसको इंडियन ही बोला जाएगा, यानी कि केकी एन दारू वाला जो है उसकी नेशनलिटी क्या है? तो इंडियन है वो। तो ध्यान रखना केकी एन दारू वाला जो है बॉर्न हुए थे कहाँ पे? लाहौर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है केकी एन दारू वाला इज़ अ ऑब्लिक एन डैश पोएट। केकी एन दारू वाला जो है वो पोएट है, तो कैसा पोएट है? उसको बोलेंगे हम लोग ऐसे, मतलब इंडियन पोएट ही है लेकिन वो इंग्लिश का पोएट है, जिसके कारण से इसको बोलेंगे इंडो एंग्लियन बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंडो एंग्लियन इसको बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि वो नेशनलिटी क्या है? इंडियन है, लेकिन वो किसका पोएट लिखते हैं? इंग्लिश पोएट लिखते हैं।
जिस कारण से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडो एंग्लियन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ केकी एंड दारूवाला, यानी केकी एंड दारूवाला का जो नेशनलिटी है राष्ट्रीयता क्या है, तो वो इंडियन है क्योंकि लाहौर में जो है बर्थ हुआ था लेकिन बॉर्न जो हुए थे लाहौर में लेकिन 1937 में हुए थे जब उस वक्त देश का विभाजन नहीं हुआ था, जिस कारण से वो जो है नेशनलिटी क्या हो जाएगा इंडियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, यानी कि कौन जो है एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे हैं, तो आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केकी एंड दारू वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केकी एंड दारूवाला वॉज अवार्डेड बाई विच ऑफ दिस अवार्ड्स, यानी केकी एंड दारूवाला को जो है इनमें से कौन से अवार्ड से उसको मतलब कौन सा अवार्ड उसको दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एंड बी बोथ। कहने का मतलब उसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, अकादमी में के होगा यहाँ पे, और साथ ही साथ पद्मश्री भी उसको दिया गया था, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एंड बी बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर, ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर, यानी कि किस ईयर में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 1984 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1984। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर विच ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन, यानी कि केकी एन दारूवाला को जो अवार्ड किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड कब किया गया था 1984 में, तो उसके कौन से कलेक्शन के लिए यानी कि कौन सा पोएट्री कलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पे डी है द कीपर ऑफ गॉड इसका राइट आंसर होगा द कीपर ऑफ गॉड, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यानी कि द कीपर ऑफ द डेड इसका राइट आंसर होगा द कीपर ऑफ द डेड। तो ध्यान रखना है इसको, द कीपर ऑफ द डेड के लिए ही केकी एन दारूवाला को क्या दिया गया था, यानी कि ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर विच ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन, यानी कि उनको किस पोएट्री कलेक्शन के लिए 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि द कीपर ऑफ द डेड इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होया था ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केकी एन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, केकी एन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, यानी कि केकी एन दारूवाला जो है वो किस रिलीजियन से किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो जो बिलोंग करते थे पारसी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं जोरास्ट्रियन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि ए एंड बी बहुत पारसी जोरास्ट्रियन एक ही चीज़ है, यानी कि पारसी धर्म से वो बिलोंग करते थे जिसको इंग्लिश में जोरास्ट्रियन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, यानी कि इट वॉज द डैट ऑफ द पोएट, यानी कि जो पोएट के साथ कौन क्रीमेशन घाट यानी कि जो शमशान घाट है उससे होकर के जा रहे थे, तो पोएट के साथ कौन थे, तो उसके फादर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पोएट के साथ उसके पापा फादर जा रहे थे क्रीमेशन घाट होता हुआ यानी कि शमशान घाट होता हुआ। अगला है द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट जहाँ जो है मृत शरीर को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है जहाँ पे, तो बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरस हैज़ टेकन फ्रॉम द बर्निंग घाट आ गया, इसका मतलब कि क्या होगा, इसमें फायर हैम्ड होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि ध्यान रखना है टावर ऑफ साइलेंस ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये है पारसी धर्म से, आपको ऑप्शन में जोरोस्ट्रियन भी दे सकता है, जोरोस्ट्रियन
भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, पारसी से रिलेटेड है, पारसी धर्म से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ इन डैश आर समवाट डिफरेंट, यानी कि डेड बॉडीज़ का, मृत शरीर का क्रीमेशन, अंतिम संस्कार किस धर्म में बिल्कुल अलग ढंग से किया जाता है, तो वह है पारसी धर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाई क्रीमेटिंग, कौन जो है अंतिम संस्कार करके अपने रिलीजन, अपने धर्म के जो रीति रिवाज था, परंपरा था, उसका वायलेशन किया, उसका उल्लंघन किया, तो कौन किए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि केकी एन दारू वाला। अगला क्वेश्चन है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लेस डैश ईयर्स अगो, यानी कि अपने जो है न्यू बॉर्न सन को, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लेस डैश ईयर्स अगो, यानी कि अपने न्यू बॉर्न सन को, न्यू बॉर्न बेबी को फ्लेम यानी कि आग के हवाले कर दिया, कब कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 20 साल पहले, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 साल पहले जो है अपने एक बेबी को वो फ्लेम के ईंधन के यानी कि आग के हवाले कर दिया था। अगला है द डेथ चाइल्ड वॉज कंसाइन टू फायर अंडर कंपल्सन, किस चाइल्ड को मजबूरी के तहत उसको जो है फायर के हवाले कर दिया गया, तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न, यानी कि कौन जो है भूल जाता है कभी डेड बॉडी को जलाना, क्योंकि वो कभी कभी डेड बॉडी को आधा ही जला करके छोड़ देता है, तो कौन, फायर, क्योंकि फायर में डालने के बाद कभी कभी होता है जो पूरा बॉडी नहीं जल पाता है, कुछ पार्ट बाकी रहता है, इसलिए इसमें कहा गया है जो फायर क्या हो जाता है, भूल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कम्पोज द पोएम स्नैक, हु हैज़ कम्पोज द पोएम स्नैक, यानी कि स्नैक पोएम को किसने कम्पोज किया, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी एच लॉरेंस जो है वो कम्पोज किए थे स्नैक नाम के पोएम को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी कि डी फॉर डेविड और एच फॉर हर्बर्ट और लॉरेंस, ध्यान रखना है डी एच लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डी एच लॉरेंस यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज बॉर्न इन, यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में उनकी पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस की मृत्यु हुई तो कब हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1930 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी एच लॉरेंस की जो मृत्यु हुई थी वो किस बीमारी के कारण हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डी एच लॉरेंस की जो मृत्यु हुई वो किससे हुई, तो टीबी से हुई, ट्यूबरक्लोसिस से हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस बिलोंग टू डैश, डी एच लॉरेंस जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, डी एच लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन, डी एच लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी एच लॉरेंस क्या थे, तो पोएट थे, ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, यानी कि पोएट भी थे, ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, जिस कारण से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर यानी कि उनका, यानी कि डी एच लॉरेंस का जो इम्पोर्टेंट वर्क है तो कौन सा है, तो सन्स एंड लवर्स जो कि पब्लिश हुआ 1913 में, वीमेन इन लव जो कि पब्लिश हुआ 1920 में, द रेनबो जो पब्लिश हुआ 1915 में,
तो ये तीनों उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, जिस कारण से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये तीनों उनके इम्पोर्टेंस वर्ड्स थे, उन इम्पोर्टेंट बुक्स थे, तो ध्यान रखना है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो इनमें से कौन डी एच लॉरेंस का इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन इनमें से दे देगा और चौथा कोई दूसरा दिया जा सकता है। तो आपको अगर ये तीनों याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रफ, ट्रफ मतलब गर्थ या फिर गड्ढा उसको बोल सकते हैं हम आम भाषा में, गर्थ होता है ट्रफ। द पोएट हैड गॉन यानी कि पोएट गया टू वाटर ट्रफ, वाटर के गर्थ में, वाटर के गड्ढे में, टू ड्रिंक, तो क्या करने के लिए, टू ड्रिंक वाटर यानी कि वाटर पीने के लिए वहाँ पे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज मैंशन इन द पोएम स्नेक, यानी कि पोएम स्नेक जो है इसमें किस चीज़ के, किस ट्री के बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है, तो एक कैरोब ट्री के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैरोब ट्री जो है वो पी यानी कि मटर फैमिली का ही एक ट्री होता है, तो ध्यान रखना है इसको, कैरोब ट्री के बारे में उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है इट वॉज अ डैश डे वेन द पोएट सॉ स्नेक, तो ज़्यादातर जो स्नेक है वो गर्मी के दिन में ही देखा जाता है इधर उधर जाते हुए, तो इट वॉज़ अ हॉट डे यानी कि कैसा दिन था, गर्मी का दिन था जब पोएट जो है स्नेक को देखे थे। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैड अ डैश टू फिल विद, यानी कि पोएट के पास क्या था उसको भरने के लिए, तो एक पिचर था, पिचर मतलब पिचकारी उसको कह सकते हैं या फिर घड़ा, घड़ा इसको बोल सकते हैं, घड़ा या मटका था क्या करने के लिए, भरने के लिए, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे क्या था, पिचर यानी कि घड़ा या फिर मटका था। अगला क्वेश्चन है द पोएट वॉज वियरिंग डैश, द पोएट वॉज वियरिंग डैश यानी कि पोएट क्या पहने हुए थे, तो वो पहने हुए थे पायजामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पोएट जो है वो क्या पहने हुए थे, पायजामा पहने हुए थे, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर, एक स्नेक देखा गया था किसके ट्रफ में, एक स्नेक देखा गया था ट्रफ में डैश टू सिप वाटर, यानी किसके द्वारा देखा गया था, तो पोएट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि जो ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये किस पोएम से दिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया है स्नेक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द पोएट डी एच लॉरेंस यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस टेल्स अबाउट अ डैश इन द पोएम स्नेक, यानी कि डी एच लॉरेंस जो है ये स्नेक पोएम में किसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे एक ब्लैक कोबरा के बारे में बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्लैक कोबरा जो है इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर हिट्स द स्नेक विद अ डैश, यानी स्पीकर यानी कि जो राइटर हैं स्नेक के या स्पीकर उसको बोल सकते हैं, यानी डी एच लॉरेंस जो है वो स्नेक को हिट किया, मारा किससे मारा, तो लॉग से, लॉग मतलब लट्ठा या फिर उसको लट्ठी बोल सकते हैं, लॉग से वो उसको स्नेक को मारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द पोएट हैड डिज़ायर टू टॉक टू डैश, पोएट को ये डिज़ायर था उसके अंदर, ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी किससे बात करने का, तो स्नेक से बात करने का, पोएट के अंदर ये डिज़ायर था, ख्वाहिश था, इच्छा था क्या करने का, उस स्नेक से बात करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो ये फ्रेज जो है अ किंग इन एग्जाइल ये स्नेक पोएम में किसकी ओर इशारा करता है, यानी कि किसको डिनोट करता है, तो ये जो है किंग इन एग्जाइल ये जो है डिनोट करता है स्नेक को, द स्नेक को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
एटना, एटना इज़ इन, तो एटना एक जगह का नाम है, ये हो जाता है सिसिली में है, इस सिसिली जो है ना इटली में पड़ता है, इटली का एक द्वीप का नाम है सिसिली, सिसिली में जो है एक जगह है एटना, तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डी एच लॉरेंस एग्जॉर्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रीमिटिव लाइफ इन डेस। डी एच लॉरेंस जो है वो प्रीमिटिव लाइफ प्राथमिक जीवन के बारे में उसका वैल्यू यहाँ पे बता रहा है, किसमें, तो स्नेक में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बार बार इधर क्या हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी एच लॉरेंस सॉ अ स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम अ डेस्क, यानी कि डी एच लॉरेंस जो है एक स्नेक को आते हुए देखा, कहाँ से, एक फ्रीज़र से, फ्रीज़र बोलते हैं दरार को, एक दरार से निकलते हुए या आते हुए देखा किसको, स्नेक को। चलिए अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इट इन द इन डैश इट इज़ बिलीव्ड दैट अ ब्लैक स्नैक इज सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड, यानी कि किसमें यह मानना है जो कोई भी ब्लैक अगर स्नैक कहीं पे भी देखा जाए तो उसको ज़रूर मार देना चाहिए, तो यह जो है सिसिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिसिली में यह मान्यता है वहाँ का, जो कहीं पर भी अगर ब्लैक स्नैक को देखें तो उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश टू अ सी बर्ड डैश, यानी पोएट जो है उस स्नेक का कंपेयर किया एक सी बर्ड, कौन सा सी बर्ड से, तो एल्बेट्रोस, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ कम्पोज बाई, माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ कम्पोज बाई, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस को कम्पोज किया गया है, तो किसके द्वारा कम्पोज किया गया है, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन नंबर बी है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी है कमलादास, और ऑप्शन नंबर डी है डी एच लॉरेंस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रैंड मदर्स हाउस को कंपोज किया गया है कमलादास के द्वारा। तो बिल्कुल आपको ट्रिक के द्वारा इसको बताया गया है ये एक वीडियो में, जो कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन का दो दो वीडियो है, एक प्रोज का है और एक पोएट्री सेक्शन का है, जिसमें आपको बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताया गया है, उसको आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमलादास वॉज बॉर्न इन, कमलादास वॉज बॉर्न इन, यानी कि कमलादास का जो है की जो है जन्म हुई थी, कब हुई थी कमलादास का जन्म, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्च 31st, यानी कि 31 मार्च 1934 को कमलादास का जन्म हुआ था, 31 मार्च 1934 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलादास वॉज डाइड इन, कमलादास वॉज डाइड इन, यानी कि कमलादास की जो है मृत्यु कब हुई, तो 31 मई को हुई थी, यानी कि 31 मई 2009, यानी कि 31 मई 2009 को कमलादास की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी वॉज डाइड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, शी वॉज डाइड यानी कि उसकी मृत्यु हुई थी इंडिया के किस सिटी में, तो इंडिया के पुणे सिटी में, यानी कि जो महाराष्ट्र में है पुणे, वहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि कमलादास की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमलादास वॉज अ ऑब्लिक एंड डैश पोएट, तो कमलादास जो है वो एक इंडियन पोएट है, कमलादास जो है वो एक इंडियन पोएट थी, यानी कि इंडियन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमलादास वॉज एन इंडियन डैश पोएट, तो इंडियन इंग्लिश पोएट कमलादास, जैसे कि देख पा रहे हैं क्या है कमलादास क्या है, इंडियन इंग्लिश पोएट है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कमलादास वॉज बिलोंग टू डैश, कमलादास वॉज बिलोंग टू डैश, तो कमलादास जो है वो बिलोंग करती थी केरला से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला से बिलोंग करती थी कमलादास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमलादास वॉज डैश, तो कमलादास पोएट भी थी, नॉवलिस्ट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, पोएट भी है, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड कमलादास शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो ध्यान रखना कमलादास को शॉर्ट लिस्ट किया गया था
नोबेल प्राइज़ के लिए, ध्यान रखना दिया नहीं गया था, सिर्फ उसको लिस्ट में नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यानी कि उसको लिस्ट में उसका नाम दिया गया था। किस फील्ड में? लिटरेचर में। तो कब नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज़ कमला दास को दिया नहीं गया था, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिस तरह से महात्मा गांधी को भी बहुत बार पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के लिए बहुत बार शॉर्ट लिस्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमला दास वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, कमला दास को साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया, यानी कि कब दिया गया? तो 1985 में, ध्यान रखना है 1984 में उसको उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, और उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1985 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1985 में उसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, 1985 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ ऑब्लिक एन, तो माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है जो उसके द्वारा खुद लिखा गया है। तो क्या है? ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज पब्लिश इन, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो पब्लिश हुआ, कब हो गया, कब किया गया था उसको पब्लिश? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1965 में उसको पब्लिश किया गया था, माई ग्रैंड मदर हाउस को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, कमला दास के पोएट्री का पहला बुक का क्या नाम था? तो उसका नाम था समर इन कोलकाता, यानी कि समर इन कलकत्ता, समर इन कैलकाटा इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हर सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री इज, उसका जो है पोएट्री का सेकेंड बुक का क्या नाम है? तो उसका सेकेंड बुक का नाम है द डिसेंडेंट, द डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, क्या होता है? वंशज। तो उसका पोएट्री का सेकेंड बुक का नाम ये था, द डिसेंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन, तो उसका जो ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कमला दास इज़ टॉकिंग अबाउट हर डेथ हु इज़ डेड नाउ, कमला दास जो है इस पोएम में टॉक कर रही है, बात कर रही है किसके बारे में? तो अपने ग्रैंड मदर यानी कि अपने दादी के बारे में बात कर रही है, जो कि अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है। अगला है, द हाउस सेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ द डेथ, यानी कि हाउस जो है बिल्कुल हाउस में सन्नाटा छा गया था, कब, किस कारण से? क्योंकि उस जो है वीमेन का क्या हो गया था, यानी कि उसकी दादी का क्या हो गया था, डेथ हो गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शी नोटिस्ड अ डेस्क बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, वह जो है नोटिस किया, ध्यान दिया किस पर? एक डॉग पर जो कि बेडरूम के डोर के पीछे था, उस पर वो नोटिस किया, यानी कि उसकी अचानक उस पर नज़र गई,